शाहरुख खान साहब की फिल्म जवान ने रिलीज से पहले ही दोस्तों एक अलग ही बज क्रिएट कर रखा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिल्म ने अपने रिलीज से पहले ही लगभग 250 करोड़ कमा लिए हैं। कैसे कमाए, क्या कमाए, इस वीडियो में आपको डिटेल बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेली खजाना। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा दूसरा नया चैनल राहुल भोज कॉमेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक, कमेंट सेक्शन में लिंक है यारो, जाओ जाकर वहां पर भी ढेर सारा प्यार बरसाओ, उसे सपोर्ट करो। अब दोस्तों बात करते हैं जवान की, जो कि सितंबर के फर्स्ट वीक पे रिलीज हो रही है। जवान की टक्कर आपको बता दूं तो सीधा द नन से है, द नन पार्ट टू से है, जो कि सेम डेट पे रिलीज हो रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जवान तो चलेगी लेकिन क्या नन चल पाएगी, क्योंकि नन वन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इंडिया के अंदर। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार क्या रिपोर्ट्स कहलाती हैं। तो भाई आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये नॉन थिएट्रिकल है, जहां पे म्यूजिक, डिजिटल और सैटेलाइट, ये तीनों के राइट्स कितने करोड़ में बिके हैं इसके बारे में कुछ डिटेल अमाउंट सामने आया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो है दोस्तों, सैटेलाइट राइट्स जवान के जो है वो 84 करोड़ में बिके हैं। जी हाँ दोस्तों, 84 करोड़ इज सच अ ह्यूज अमाउंट। तो सैटेलाइट राइट इसके जो है 84 करोड़ में बिके हैं। वहीं डिजिटल यानी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, वैसे तो नेटफ्लिक्स है दोस्तों, तो यहां पर ये जो है 130 करोड़ में बिका है दोस्तों। ठीक है, आप काउंट कीजिएगा, 84 वो थिएट्रिकल और यहाँ पे जो है सैटेलाइट, सॉरी, और यहाँ पे डिजिटल जो है वो 130 करोड़ का। म्यूजिक राइट्स जो है जवान के में 6 गाने होने वाले हैं, अलग अलग फ्लेवर के होने वाले हैं, तो उसके जो है 36 करोड़ का सौदा हुआ है दोस्तों। तो टोटल मिला के अगर बात करें 84, 130 और 36 करोड़, तो टोटल मिला के 250 करोड़ का ह्यूज अमाउंट कमा लिया है दोस्तों फिल्म ने रिलीज से पहले ही। जवान दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि शाहरुख साहब की वो फिल्म है जो कि एक हुक्म का इक्का होता है वैसी कहीं ना कहीं साबित होगी, क्योंकि इस फिल्म के लिए क्रेज है, एक्साइटमेंट है और इस फिल्म को लोग देखना चाहते हैं। क्या कुछ अलग किया है शाहरुख साहब ने, फुल ऑन मसाला कमर्शियल है। वैसे पहले दिन इस फिल्म को इंडिया के अंदर 75 करोड़ तक की ओपनिंग मिल सकती है दोस्तों, उम्मीद की जा रही है, सारे मतलब कि हिंदी साथ ही साथ तमिल तेलुगु का मिला के। वहीं अगर ओवरऑल बात करें दोस्तों तो इस फिल्म को लगभग 120-125 करोड़ तक बाहर की ऑडियंस यानी कि ग्लोबली ऑडियंस का हमने रिएक्शन सामने आया है। तो टोटल मिला के हो सकता है ये पहले ही दिन अपना 200 करोड़ कमा ले। 250 करोड़ तो निकल गए इसके, ठीक है, बाकी बचे के और करोड़ ये और आराम से कमाएगी। शाहरुख साहब की इस साल की ये दूसरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म होगी आफ्टर पठान, आप देख लीजिएगा। और फिर डंकी तो और भी ज्यादा बवाल करेगी, दिल से एक आवाज आ रही है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।